आजादी के लिए सबसे पहले 1857 के इतिहास में सूत्र लगाते। फिल्म किसकी बनी? मंगल पांडे की। और ठाकुर जिनका नाम यहां पे लिखा है, बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी सेना की पोशाक पहनकर ये कौन आ गया जी, कौन खड़ा है। पर मैं इनका परिचय देना चाहूंगा आपको। ये महानायक शहीद क्रांतिकारी पहलवान माता दीन वाल्मीकि है जिन्होंने 1857 की क्रांति लड़ी। हमारे देश की आजादी का यह 75वां गणतंत्र दिवस है और इसका हमने सचिन भाई, मैंने और बाकी साथियों ने आयोजन किया है, जिसके लिए सबको आपको निमंत्रित भी किया गया था। आपको सबकी कविता एंड रोल वगैरह पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू। तो अपने लिए तो कहने से पहले ताली बजाना, आलिया एक बार सचिन भाई के लिए। पर ये है कि अगर सुन के आपको अच्छा लगे तो ताली अपने आप बन जाती है, बजवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कविता सुनाना चाहूंगा जो गुमनाम सैनिक हमारे समाज के, जो कोई नहीं जानता उनको, हम उनको जानने का काम करते हैं और समाज को बताने का काम करते हैं। अगर कोई कहता है कि 1857 की क्रांति के सूत्रधार कौन थे, तो सबकी जुबा पे एक ही नाम आता है, मंगल पांडे। क्यों? क्योंकि कलम ब्राह्मणों के हाथ में थी। उन्होंने लिखा था कि मंगल पांडे ने आजादी के लिए सबसे पहले 1857 की क्रांति में सूत्र लगाते। फिल्म किसकी बनी? मंगल पांडे की। और था कौन जिनका नाम यहां पे लिखा है? बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी सेना की पोशाक पहनकर ये कौन आ गया जी, कौन खड़ा है। पर मैं इनका परिचय देना चाहूंगा आपको। ये महानायक शहीद क्रांतिकारी पहलवान माता दीन वाल्मीकि है जिन्होंने 1857 की क्रांति लड़ी। इनके बारे में अगर ज्यादा बताना चाहूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी सेना में गाय और सुअर की चर्बी के कास्तूर बना करते थे। उस समय पे कारखाने में ये सुपरवाइजर थे और उनका सुपरविजन करते थे। तो मंगल पांडे को जिसको पता चल गया था कि इनकी जाति वाल्मीकि है, तो उन्होंने इनसे घृणा करनी शुरू कर दी। जब घृणा करनी शुरू कर दी तो इन्होंने बताया कि तुम मेरे से तो घृणा कर रहा है क्योंकि मेरी कौम झाड़ू का काम करती है, सफाई व्यवस्था का काम करती है, पर जो तू डेली कास्तूर छीनता है और अपने भारतीयों पर चलाता है, वो कास्तूर गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं, वहां तेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होता, मेरे हाथ लगाने से तेरा धर्म भ्रष्ट होता है। तो उस समय पे उसने अपना धर्म बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए सब लोगों को एक करके वो करी। और आपको बताना चाहूंगा कि क्रांति जब करी तो उन्होंने कहा कि धर्म तो मैं बाद में बचा लूंगा। किसने कहा? माता दीन वाल्मीकि ने, कि धर्म तो मैं बाद में बचा लूंगा, पहले मेरा देश बचना चाहिए, इन गौरव से मैं अपना देश आजाद कराऊंगा। आजादी के अवसर पर कहीं भूल ना जाना अपने मूल निवासी वीरों को। आजादी के अवसर पर कहीं भूल न जाना अपने मूल निवासी वीरों को। अगर भूल गए हो तो तुम्हें सब सुन लो उनकी अमर कहानी, उनकी अमर कहानी। सिखों का त्यौहार बैसाखी, 13 अप्रैल का दिन था, जलियांवाला बाग के बीच में सभा का आयोजन था। तीन तरफ से घिरा था स्थल, द्वार एक था छोटा, मौका का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने दिया था धोखा। गवर्नर जनरल और डायर ने फरमान किया था जारी, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सैनिक संघ घेरा डारी, सभी नियत भारतीयों पर मशीन गन चलवाई थी, सभी नियत भारतीयों पर मशीन गन चलवाई थी और बूढ़े और बच्चे जवानों कोई ना बच पाया था, बच्चों तरह को मार दिया था। सीने से चिपकाए मां के शिशु खाता मरवाया और डायर के आदेशों को डायर का खूब निभाया।
जान बचाने के खातिर कुएं में छलांग लगा दी, बच ना सके वो भारतवासी मिट्टी में जान मिला दी। एक गाना आपने सुना होगा, नुका उत्तम सिंह का फैन मैं छोड़ो चमार का, पर उत्तम सिंह ने करा क्या है वो तो जान लो पहले। गाने पे डांस करने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम अपने मूल निवासियों को नहीं पहचानेंगे नहीं जानेंगे उन्होंने किया क्या है। सिर्फ ये कहना कि माता दीन वाल्मीकि थे या उत्तम सिंह जाटा समाज से थे, इससे काम नहीं चलने वाला। उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी बातों पे चलना पड़ेगा, उनके रास्ते पे चलना पड़ेगा। ऐसा दृश्य को देख उत्तम सिंह का दिल खून के आंसू रोया, धरती माँ की मिट्टी लेकर विस्फोट का बीज मन में बोया था। और डायर को सबक सिखाने कि उसने थी ठानी, बार बार भी असफल होकर हार ना उसने मानी, दर दर की ठोकर खाकर भी हिम्मत ना उसने हारी। अपनी जान से ज्यादा उसको मातृभूमि थी प्यारी, मातृभूमि की रक्षा के हित में वे लंदन को सिदारा, कवेस्टन के हॉल में घुसकर डायर को ललकाया, बीच किताब में रख के रिवाल्वर घुसाता हॉल के अंदर और डायर को मारकर गोली कसम निभाई हंसकर। पेटनेबल में हुई थी फांसी, सारा भारतवर्ष रोया था, शेरे हिंद था उत्तम सिंह, कभी ना हिम्मत खोया था, कभी ना हिम्मत खोया था। आओ मिलकर नमन करें, आओ मिलकर नमन करें, हम पुष्प चढ़ाए उन पर श्रद्धांजलि दे, जी भरकर करे वंदन करे चरण पर, ऐसे देश के वीरों की तुम भूल न जाना कुर्बानी, इसीलिए हमने लिखी है उनकी अमर कहानी, इसीलिए हमने लिखी है। जोरदार तालियां एक बार को। संतावास टीवी के बहुत ही प्रबुद्ध मान्यवर श्रीमान मनोज अंतानी जी, आपने नाम सुना होगा, पर देख लीजिए अगर सबसे पहले बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले हैं, बहुजनों की आवाज बताने वाले हैं, तो मनोज अंतानी जी बहुत बड़े आदमी हैं, आपके छोटे से गांव में आए हैं। तीन रंग से बना तिरंगा भारत की पहचान है, राष्ट्र के प्रति हिम्मत निस्वार्थ भावना को दर्शाता है, केसरी रंग तिरंगे का बलिदान साहस की पहचान है। ये जो रंग है ना, इसके बारे में बताना चाह रहा हूं, रंग सफेद तिरंगे का शांति और भाईचारे का पाठ पढ़ाता है, हरा रंग तिरंगे का विश्वास खुशहाली की ओर ले जाता है, तिरंगे में जो अशोक चक्र है इसमें संयम शांति त्यागशील सेवा श्रम प्रेम दया शामिल है, तिरंगे में जो अशोक चक्र है मेरे भीम का सम्मान है, मेरे भीम का सम्मान है,